श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहङ्गसुदेवसूनम् नवजलघरवरणम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयम् स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् तमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशितभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् जाने श्रीहरिः। असल में ये भागवत की कथा नहीं हो रही है। भागवत की कथा तो जो भागवत के जानकार हैं, पंडित हैं, मर्मज्ञ हैं, वे लोग कह सकते हैं, उन्हीं का अधिकार है। अपने तो भगवान की लीला का स्मरण करना है और भगवान की लीला का स्मरण करने के भाव से ही ये सत्संग है, कथा नहीं। इसलिए कथा के रूप में इसका न तो कोई आयोजन है और न वैसा मानना ही चाहिए। कथा है श्री कृष्ण की कथा। जिन श्री कृष्ण की कथा है उन श्री कृष्ण के अनेक रूप लोगों ने माने, परंतु भागवत के जो श्री कृष्ण हैं ये स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के साथ मिलकर जिस प्रकार की लीलाएं की हैं उन्हीं का किसी अंश में भागवत में वर्णन है, बहुत थोड़ा। लीला असीम है, अनंत है, अगाध है। लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा करके, और जो परम जिज्ञासु थे इस लीला के परीक्षित महाराज, उनसे ये लीला की चर्चा की, बड़ी सीमित रूप में की, और कई जगह ऐसी गूढ़ बातें कह दी इसमें जो केवल पढ़ने मात्र से नहीं समझ में आती, साधना से ये समझ में आती हैं भगवत कृपा से। तो ये दशम स्कंध का प्रारंभ है। नवम स्कंध में सूर्य वंश का, चंद्र वंश का वर्णन किया, तो परीक्षित के मन में भगवान की चर्चा आते ही कौतूहल बढ़ गया और वे बहुत उतावले हो गए कि अब ये कथा आगे और चले। तो ये स्कंध शुरू हुआ। इसमें तीन लीलाएं हैं, ब्रजलीला है, मथुरा लीला है और द्वारिका लीला है, और इसके दो भाग हैं, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग। दशम स्कंध में कुल 90 अध्याय हैं, और उनमें से जो पहले 4 अध्याय हैं उनमें तो भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का कथन है, और 5वें अध्याय से 39वें अध्याय तक ये ब्रज लीला है, बाल लीला है, और 40वें अध्याय में यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और क्रूर के द्वारा है, और 41 से 51 अध्याय तक मथुरा लीला है, और उसके बाद 90 अध्याय तक द्वारिका लीला है। तो ये ब्रजलीला का प्रारंभ है। तो सबसे पहले राजोवाच, आज पहला दिन है इसलिए इस भूमिका में कुछ देर हो जाएगी। पीछे तो ये विचार है कि
लीला का अनुवाद मात्र पढ़ देना है, जिसमें महीने भर में पूर्वार्ध समाप्त किया है, आज पहला दिन है, तो थोड़ी सी बात विशेष रूप से कही जाए। पहला है राजोवाच, राजा ने कहा। अब ये जो प्रेमी टीकाकार हैं, उन्होंने जिन आँखों से भागवत को देखा, सब ने उन आँखों से नहीं देखा, अपनी अपनी आँख अलग अलग होती है। राजोवाच, राजा बोले, सीधा सा अर्थ है, पर ये कहते हैं कि यहाँ राजोवाच का अर्थ कुछ दूसरा है। बोले भाई, संपत्तिवान कौन है और शोभावान कौन है? जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास शोभा है, वही राजा है। तो चैतन्य चरितामृत में आया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा, और ये भागवतामृत वर्षणी बड़ी सुंदर एक टीका है संस्कृत में, ये रूप गोस्वामी की, उन्होंने लिखा कि भाई, जिनके पास संपत्ति है, क्या वो धनी है, क्या वो राजा है? कहा नहीं, संपत्ति तो राक्षसों के पास भी बहुत हुई, और राक्षस भी बड़े बड़े सम्राट हुए, और वो राजा भी कहलाए, पर सुखदेव जी ने जिनको राजा कहा, वो राजा भी दूसरे हैं। तो कहते हैं कि जीव की कोई संपत्ति भी उसके लिए शोभा देने वाली नहीं और राजा पद पर बैठाने वाली नहीं। श्री राधा कृष्ण का जिनके पास प्रेम धन है, वही संपत्तिवान है, वही शोभावान है और वही राजा। तो परीक्षित के मन में वैराग्य था। यहाँ पर राजोवाच है ये कह करके सुखदेव जी इस बात का लक्ष्य कराते हैं कि इनकी विरक्ति और दूसरों की विरक्ति में बड़ा अंतर है। सारे जगत के भोगों से इनकी विरक्ति है, पर भगवान की कथा में अत्यंत अनुरक्ति है। तो सुखदेव जी को ये दिखाई दिया कि इस समय ये राजित हो रहे हैं, राजा हैं, अर्थात इनकी प्रेम संपत्ति का विकास हो गया है, और ये मानो कह रहे हैं कि महाराज, मुझे विरक्त समझकर आप कथारस का पान कराने से वंचित मत कर दीजिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ, ये मेरे चेहरे से आप देख लें, मेरी आंखें छल छल कर रही हैं, मेरे रोमांच खड़े, ये शोभा है, ये राजोचित शोभा है भक्तों की, और मेरी प्रत्येक चेष्टा सब ओर से हट करके केवल इसी में लगी है कि आप मुझे सुनावें। आगे जाकर आवेगा वो यहाँ तक कह देंगे कि मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है, ये जो अमृत पी रहा। तो राजावाचक का अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा, श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा, जिसके पास श्री कृष्ण के प्रेम रूपी संपत्ति है, वो राजा। उस राजा ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्यां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। प्रेम संपत्ति युक्त श्रवणेच्छु, ये नियम है कि भगवत कथा बाजार की चीज नहीं है, इसको सुनाते फिरना ये इसका प्रचार नहीं है। जिसकी जिज्ञासा हो, जो श्रवणेच्छु हो, जो सुनना चाहता हो, उसी के सामने इसका कथन होना चाहिए, नहीं तो इसकी अवज्ञा हो। तो राजोवाच से ये दिख रहा है कि परीक्षित सुनना चाहते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान, आपने चंद्रवंश का, सूर्य वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, और जो परम अद्भुत चरित्र थे, विचित्र विचित्र, वो सब आपने मुझको सुनाए। अब आप
यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांशी नावतीर्णस्य विष्णुर वीर्यानि संसनः। अब आप कृपा करके और उसी वंश में यदुवंश में अंश के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का परम चरित्र सुनाई। हे मुनि सत्तम, या मुनि सत्तम संबोधन। तो ये प्रेमी टीका का मुनि सत्तम की व्याख्या करते हैं, जैसे राजा की व्याख्या की। वो कहते हैं कि मुनि सत्तम क्यों कहा? मुनि सत्तम कहने में भी कोई अभिप्राय होना चाहिए। तो जिस प्रकार के प्रश्न करता है उसी प्रकार के उत्तरदाता भी होने चाहिए, नहीं तो प्रश्न सार्थक नहीं होता। कोई बात पूछे, एक कोई उत्तर दे दूसरा, तो सुनने वाले की तृप्ति नहीं होती और कहने वाला उसका अधिकारी नहीं होता। तो राजोवाच प्रेम संपत्ति युक्त परीक्षित ने जिस प्रकार पूछा उसका उत्तर देने योग्य भी कोई होना चाहिए। तो उत्तर देने योग्य सुखदेव जी हैं, ये दिखाने के लिए ही मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया। तो मुनि सत्तम का अर्थ करते हैं कि जिनका मन जगत की चिंता से शून्य हो गया, जिनके मन में जगत का चिंतन नहीं आता और जिनका मन नित्य निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा के मनन में ही नित्य लगा रहता है, उनको कहते हैं मुनि। जिनका मन जगत के चिंतन से सर्वथा शून्य होकर सच्चिदानंद घन परात्पर परमात्मा के चिंतन में ही नित्य संलग्न रहता है, ऐसे जो मननशील महापुरुष हैं उनका नाम है मुनि। और जो सच्चिदानंद घन के स्मरण के साथ साथ जो गोविंद भगवान का भजन भी करते हैं वे हैं मुनिसत, वे मुनिसत हैं। और भजन के साथ साथ जिनके मन में भजन में रति है, केवल भजन करती नहीं है, भजन तो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष करेंगे ही, पर भजन में उनकी रति नहीं है, आसक्ति नहीं है। पर जिनकी भजन में आसक्ति है ऐसे जो लोग हैं वो हैं मुनि सत्तर। और जिन लोगों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया है, ये हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं, इस प्रकार जो संबंध युक्त मुनि हैं वो हैं मुनि सत्तम। ये कहा किया तो सुखदेव जी मुनि सत्तम हैं, और मुनि सत्तम हुए बिना भगवान की लीला का जो अंतरंग भाव है वो समझ में आता ही नहीं। रोज हम लोग ये श्लोक पाठ कर लेंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, पर भगवान कैसे माता पिता हैं, भगवान कैसे सखा हैं, भगवान कैसे स्वामी हैं, इसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक इस भाव से संबंधित होकर हम भगवान को न भजें। तो ये संबंध युक्त जो मुनि हैं, ज्ञानी तो हैं ही, पर जो संबंध युक्त मुनि हैं, सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, परिनिष्ठित हैं। इस प्रकार के जो परम ज्ञानी महापुरुष हैं वे भजन में रत हैं, और भजन में रति के साथ साथ श्री कृष्ण के साथ श्याम सुंदर के साथ उनका अपना संबंध है। तो संबंध युक्त जब होंगे तब परात्पर ब्रह्म जो बात कहेंगे वो कहेंगे परात्पर व्यापक वस्तु के बाद, लेकिन
श्री कृष्ण पुत्र के रूप में जो बात कहेंगे वो परात्पर ब्रह्म तो है ही, पर वो बात कहेंगे जो पिता को कह सकता है पुत्र। स्वामी के रूप में हम उनको भजेंगे तो वो बात वो कहेंगे जो पतिव्रता पत्नी के सामने पति कह सकता है, परात्पर परमात्मा नहीं कह सकते ये बात। तो वो जो संबंध युक्त होने पर जो अंतर की बात, हृदय की बात जो खुलती है, वो बात हर जगह नहीं खुलती। ये खोला आगे जा करके कि रास पंचाध्यायी का वर्णन, रास का वर्णन इससे पहले सुखदेव जी के पहले इस रूप में किसी ने किया ही नहीं, संकेत किया किस रूप में नहीं किया, व्यास ने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? वो मुनि सत्तम नहीं, अंतरंग हुए बिना अंतरंगता की बात ध्यान में आती नहीं। तो यह अंतरंगता की बात जानने के उत्सुक है परीक्षित, भगवान का गुप्त रहस्यमय चरित्र जानना चाहते हैं और कहते हैं खोल कर कहिए स्पष्ट। तो कहने वाला भी तो चाहिए, तो कहने वाले जो हैं ये मुनि सत्तम हैं। तो कहते हैं कि ये भगवान का जो अंतरंग चरित्र है ये ब्रह्मा शिव अनंत इत्यादि के लिए भी दुर्गीय है, नहीं जानते। दूसरे लोग तो जानेंगे क्या, नमे वधु स्वर्गनाहा प्रभुवम नमहर्षयः, कोई नहीं जानता। तो जिनकी अंतरंगा भक्ति होती है, परा भक्ति होती है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ब्रह्म भूत और ब्रह्म प्राप्त होने के पश्चात भी जब तक ये अंतरंगा प्रीत नहीं होती तब तक यथार्थ स्वरूप का परिचय नहीं होता, अंतरंग बात छिपी रह जाती। तो अंतरंग बात को जानने वाले थे ये मुनि सत्तम सुखदेव जी और पूछने वाले थे परीक्षित, इसलिए परीक्षित को राजा कहा और सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा। तो कहते हैं कि यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम धर्मशील से यदुष, इस पर भी शंका उठाई है कि यदु को धर्मशील कैसे कहा, उसने तो पिता की बात मानी नहीं थी, पिता ने जवानी मांगी उसने दी नहीं, धर्मशील कैसे हुआ? तो धर्मशील की व्याख्या करते एक ही कि श्री कृष्ण रूपी परम धर्म में जिसकी रति है वही धर्मशील है, बाकी कोई धर्मशील नहीं। तो यदु धर्मशील था या नहीं इसका क्या पता, बोले इसका इसीलिए पता है कि उसके वंश में आप अवतीर्ण हुए, इससे बड़ा धर्मशीलता का प्रमाण क्या होगा? और जिस यदु के वंश में साक्षात भगवान ने, स्वयं भगवान ने अवतार लिया, उसके समान धर्मशील कौन होगा? तो कहते हैं कि ये धर्मशील यदु के वंश में जो अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए उन भगवान विष्णु के वीरियों का वर्णन करें। अब अंश की बात है, अंशेना, तो यहां कई अर्थ होते हैं। जो भगवान को अंशावतार मानते हैं वो भगवान के केशावतार हैं, नर नारायण अवतार हैं इत्यादि विष्णु के अवतार हैं, पर भागवत स्वीकार नहीं करता। भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं थे श्री कृष्ण। तो अंशेने का अर्थ करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया बलदेव जी के साथ, बलदेव जी के साथ अंशेन साहब, बलदेव जी के साथ इन्होंने। और एक महात्मा ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है इसी में, वो कहते हैं अंश का अर्थ ये है विश्वनाथ चक्रवर्ती का, तत्र यदोर्वंशे अवतीर्णस्य आविर्भूतस्य अंशेन विष्णुः यह खलु अंशेन विष्णुर्भूत्वा जगत पालयति
तस्य स्वयं भगवत श्री कृष्ण से वीर्याय न सिंह। वो कहते हैं कि जिसके अंश विष्णु स्वरूप से जगत का पालन करते हैं, उन स्वयं विष्णु के अंश ही तुम स्वयं भगवान की लीला का वर्णन करिए। ये अंश है ना, और विष्णु वीर्याय, ये इसका अर्थ है। तो भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने अवतीर्यदो वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यान विश्व आत्मा तालिनो वद विस्तरात। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं और सर्वात्मा है, सबके आत्मा है। उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर जो जो लीलाएं की, उन सबको हम लोगों को, केवल हम ही को नहीं, जितने और लोग बैठे हैं उन सबको सुनाई। अब वो कथा कैसी है इसका निर्वचन करते हैं एक श्लोक से। निवृत्त तर्शयी रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान बिरज्जेत बिना पशुघ्नात्। इसका शब्दार्थ है कि जिनकी तृष्णा सर्वथा शांत हो गई है, निवृत्त तरसई ही, उन जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा जो गाई जाती है, गाई गई है, और जो भव रूपी रोग की दवा है भवौषधात्, और जो सुनने पर कान और मन को तृप्त करने वाली है, आह्लाद देने वाली है, श्री कृष्ण की वो सुंदर कथा सुनाइए। तो एक पशुघ्न के सिवा और कौन ऐसा है जो उसको न सुनना चाहता हो। तो यहाँ तीन मुक्त, मुमुक्षु और विषय, ये तीन मुक्त जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, आत्मा रामाश्रम मुनियो निर्ग्रंथा रप्युक्रमे कुर्वंत है तुकिम भक्ति मिथ्थम भूत गुणो हरि। यह आत्मा राम के साथ मुनि का संयोग है। आत्मा राम मुनि होते, मुनि सत्तम नहीं होते, वो तो भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर जब संबंधित होते हैं तब मुनि सत्तम होते हैं, इसलिए यहाँ मुनि आया है। तो कहते हैं कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वे भगवान का गुण गाते नहीं, उनके द्वारा गाया जाता है, और भवरोग की ये महान औषध है, और ये चरित्र ऐसा है सुंदर कि बच्चे भी, छोटे छोटे बालक भी, अपढ़ लोग भी, विषयी लोग भी इसको सुन करके सुख प्राप्त करते हैं, और यदि कहीं मन में समझ में आ जाए तो बड़ा आह्लाद मिलता है। तो यहाँ ये निवृत्त तर्शयी के दो भेद करते हैं, एक तो मुक्त महापुरुष और एक मुक्ता मुक्त रहित महापुरुष, मुक्ति और मुक्ति दोनों से रहित महापुरुष। ये दोनों ही की तृष्णा निवृत्त हो जाती। तो मुक्त महापुरुष कौन, जो जीवन मुक्त हो गए हैं, ये माया का बंधन जिनका कट चुका है, जो नित्य आत्म रमण करते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हैं, आत्मा से परे किसी वस्तु का जिनके मन में भाव नहीं रहा, कल्पना नहीं रही, जो ब्रह्म भूत हैं, आत्म स्वरूप हैं, इस प्रकार के महापुरुष जब भगवान के गुणों के द्वारा आकृष्ट होते हैं, तब वे भगवान का गुणानुवाद करते हैं। सनत कुमार आदि ऐसे लोग, व्यास आदि जीवन मुक्त हैं, पर वे भगवान के गुणगान के बिना उनसे रहा नहीं जाता, उनके कोई तृष्णा नहीं है, किसी चीज की उनको पिपासा नहीं है। मुक्त हैं तो मुक्ति की इच्छा नहीं हो गए, और मुक्त हैं तो विषयों के संसार से उनको मुक्ति मिल ही गई, तो इसलिए उन जीवन मुक्तों के मन में किसी प्रकार की तृष्णा के लिए कल्पना नहीं रहती। निवृत्त तर्शयी, उनकी तृष्णा पिपासा सर्वथा और सर्वदा निवृत्त हो गई, रही नहीं। तो वे महापुरुष
भी स्वाभाविक सहज भगवान की लीला कथा का गान करते हैं, परंतु वे महापुरुष जो ब्रह्म के साथ संयुक्त हैं, एकाता को प्राप्त हो गए हैं, वे गुणानुवाद करते हैं स्वाभाविक सहज। गुणानुवाद में अनुरक्ति नहीं है उनकी, लेकिन जो केवल रहना चाहते हैं गुणानुवाद के लिए ही, ये एक भेद किया है कि कपिल देव जी ने कहा सालोक शास्त्र सामीप्य सारूप्यकत मप्युत दीयमानम न गृहन्ति विना मत सेवनम जनाः। पांच प्रकार की मुक्ति बताई। सालोक भगवान के समान ऐश्वर्य पूर्ण लोक की प्राप्ति हो जाए, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए साष्ट, भगवान के समीप रहने का अवसर मिल जाए निरंतर सामीप्य, भगवान का सा रूप प्राप्त हो जाए, चतुर्भुज रूप है भगवान का, और भगवान के साथ मिल जाए एकत्व हो जाए। ये पांचों प्रकार की मुक्तियां भी दी जाने पर भी सेवा को छोड़कर वे स्वीकार नहीं करते, तो वे कौन है? वे अमुक्त हैं, वे अज्ञानी हैं, वे बंधन में हैं। तो कहा ये कैसे कहा जाए? जो बंधन में हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको मुक्ति देने का प्रश्न क्या है? दो ही हो सकते हैं, एक तो जो मुक्ति चाहते नहीं, माने जो विषय चाहते हैं, जो घोर संसार में सर्वथा पड़े हुए हैं, वे लोग मुक्ति नहीं चाहते, पर उनको मुक्ति देने कौन आता है? वे तो मुक्ति के अधिकारी ही नहीं है। और यहां तो उनकी बात है कि जिनको मुक्ति दी जाती है ले लो, भगवान कहते हैं कि पांचों प्रकार की ले लो, पांच में एक प्रकार की ले लो, जैसी चाहिए वैसी ले लो। तो अधिकारी तो हैं, अधिकारी होकर ये मुक्ति का परित्याग करते हैं, तो परित्याग क्यों करते हैं? परित्याग क्यों करते हैं, ये कौन है? तो अमुक्त तो है नहीं, भोगों का विषयों का संसार का बंधन यदि उनको होता तो ये मुक्ति चाहते ही, तो वो बंधन तो रहा नहीं, तो है तो मुक्त, और मुक्त हैं तो फिर ये मुक्ति स्वीकार नहीं करते, इसका क्या अर्थ है? मुक्त हैं तो वहां खोला इसको, बड़ी सुंदर भावना है कि जो एकत्व है वो हो जाए तब तो इनके स्वभाव के विरुद्ध ही चीज हो जाए, सेवा से वंचित हो जाए। बिना मत सेवनम जनाः, सेवा ही इनका नित्य स्वभाव है, सेवा से वंचित कर दे जो मुक्ति, वो मुक्ति तो इनके स्वभाव के विरुद्ध है, तो वो तो चाहते ही नहीं। रही चार प्रकार की दूसरी, सालोक शास्त्र सामीप्य सारूप्य, ये चारों नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कि ये चारों ऐश्वर्यवती मुक्ति हैं, ये भेद ऐश्वर्यवती मुक्ति है चारों, ये चारों में ऐश्वर्य है, चारों में भगवान के समान रूप मिल गया, भगवान के समान ऐश्वर्य मिल गया, भगवान के समान लोक मिल गया, भगवान के समान ये समीपता प्राप्त हो गई, तो भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं चाहते। वो कौन है? वो है भजनानंदी प्रेमी भक्त। तो वे इस दृष्टि से तो मुक्त नहीं है, और उस दृष्टि से उनको मुक्ति की चाह नहीं है, तो वे मुक्त भी नहीं है अमुक्त भी नहीं है, मुक्त भी है अमुक्त भी है, पर निवृत्त तरसई है। उनकी भोग तृष्णा और मोक्ष तृष्णा बिना भोग के और बिना मोक्ष के ही शांत हो चुकी, गोविंद के भजन को प्राप्त करके।
उनके द्वारा जो उपगीयमान है वो ठीक उपगीयमान है, ये अर्थ करते हैं, ये भेद करते हैं। चौथा कि ये उनके द्वारा उपगीयमान है जो भजनानंदी प्रेमी भक्त हैं, इसीलिए यहाँ पर मुक्त शब्द नहीं आया है। मुक्त शब्द तो ये भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने दिया निवृत्त दर्शा के अर्थ बताते हुए। तो जिनको मुक्ति की भी तृष्णा नहीं और जिनको भोग की भी तृष्णा नहीं, जो मुक्ति दी जाने पर भी स्वीकार नहीं करते और भोग तो जिनके जीवन में भोग रूप में रहे ही नहीं, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा गीयमान नहीं उपगीयमान है, और भी श्रेष्ठत्व है। उनको एक एक शब्द में रस आता है, एक एक शब्द जो भगवान की लीला का उनके मन में आता है, उनकी वाणी में आता है, वो इतना रस वर्षाता है कि अन्य किसी रस की पिपासा वहाँ पर आने की कल्पना नहीं होती। वो दिन रात रसोन्मत्त रस समुद्र में डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा ये चरित्र गान होता है, एक बात। दूसरी बात भवौषधात्, ये तो मुक्त और अमुक्तों के द्वारा जो भगवान की लीला का गान होता है उनके लिए भी ये बड़ी सुंदर चीज, क्योंकि उनके पास और कोई चीजें नहीं है सिवा, माने उन जीवन मुक्तों के पास भी भगवत गुणगान के सिवा और कोई चीज नहीं, जगत रहा नहीं। और जो भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा, उनके लिए तो और कोई चीज है ही नहीं। तो ये अब भवौषधात्, भवौषधात् का अर्थ करते हैं कि ये संसार जिसमें बार बार जन्म मृत्यु होती है, इसके समान रोग कोई सा नहीं। जितने रोग हैं वे सब रोग शरीर के साथ मर जाते हैं। तो इस रोग को लिए हुए जन्म लेता है जी, और इस रोग को लिए हुए मर जाता है, ये सबसे बड़ा रोग है। तो सबसे बड़े रोग की कोई ऐसी दवा मिल जाए जो बहुत मीठी भी हो, बहुत मीठी, कहीं बड़ा भारी योग का वर्णन हो, कहीं बड़े भारी त्याग का वर्णन हो, कहीं कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों का वर्णन हो, तप का वर्णन हो, तो भाई ये दवा तो जरूर है पर मीठी नहीं है, सबका मन इनमें रमता नहीं इन दवाओं में। तो ऐसी कोई दवा हो जो अत्यंत मधुरात मधुर हो, बड़ी मीठी लगे और सारे रोग का समूल नाश कर दे, तो वो दवा है भगवत कथामृत, भगवान का लीलामृत, लीला सुधा। कि जब व्यास जी ने इसको रचा तो देवताओं ने कहा महाराज इसको तो हमें दे दो और बदले में हमारा अमृत ले लो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए हमको, तुम अपना अमृत ले जाओ। तो ये जो भगवत लीला अमृत है, इसके समान कोई भी संजीवनी दवा नहीं, कोई भी रोग के मूल का नाश करने वाली दवा नहीं। और दवाएं बड़ी अच्छी हैं, पर कोई कड़वी है, कोई बड़ी तीखी है, किसी के लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सब लोग नहीं ले सकते, पर ये दवा ऐसी है बड़ी मधुरा की मधुर, कि सुनने में अच्छी मीठी, कहने में मीठी, चखने में मीठी, लेने में मीठी, और परिणाम तो अति मधुर है ही, क्योंकि ये मधुर श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। कठोर भी होते श्री कृष्ण, कठोर श्री कृष्ण जो होते हैं वो कठोरों के काम के होते हैं। वहां धनुष बाण लिए हाथ में और चक्र लिए, चक्र वाले जो श्री कृष्ण है ये वृंदावन में नहीं आते, यहाँ तो मुरली मनोहर आते हैं, मयूर पंखधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण, नवनील नीरद वदन श्याम सुंदर मदन मोहन, ऐसे जो सुंदरात सुंदर भगवान हैं वे ब्रज में रहते हैं, चक्र वाले ब्रज में नहीं आते, गदा वाले ब्रज में नहीं आते। कभी भगवान के हाथ में गदा देखियो तो बताइए ब्रज में किसी ने, एक दफे देखी सो गोपियां डर गई,
एक दफे हाथ जोड़ लिए भगवान, एक बार निकुंज लीला की बात है तो लीला ही, तो कहीं छिप गए जाकर, छिप गए तो ये ढूंढने लगी, तो ढूंढती ढूंढती जा पहुंची वहां पर, जब समीप पहुंची तो देखा कि अब तो पकड़े गए ना, तो तत्काल चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हो गए वहीं पर, शंख चक्र गदा पद्मधारी, ये पहुंची तो देखे तो विष्णु भगवान तो हाथ जोड़ दिए डर करके, बोले महाराज मन में दो भाव आए कि कहीं ये श्राप वराप न दे दे, खींच न जाए, चक्र कर लिया हाथ में, चक्र को देख के डर लगा, वहां तो चाय से बोल देती, दूसरा भाव आया कि नहीं दयालु भी है, इनसे पूछने कहां गया है ये बता दे, व्यापक न रहे ठहरे विष्णु, विष्णु का अर्थ है व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है, तो ये बता देंगे। तो वहां ब्रज में मधुर श्री कृष्ण की लीला होती, तो ये जो लीला कथा है श्री कृष्ण की ब्रज लीला, ये बड़ी मधुर है, इसलिए भवरोग नाशिनी होने के साथ साथ खाने में भी अच्छे लगे। बोले भाई किसी को बहुत अच्छी मीठी चीज बना बना के अपना खिलाता रहे कोई, और रोग नाश होता रहे अपने आप, बोलिए तो जरूर खाएंगे, फिर क्यों नहीं खाएंगे, पेट भी भरे और खाने में भी मीठी लगे और रोग रहे ही नहीं। तो जो मीठा कुपथ पैदा करे, जो मीठा रोग पैदा करे, वो तो कुपथ है। ये अंतर किया है विषय कथा में, ग्राम्य चर्चा में और भगवत चर्चा में, महात्माओं ने ये अंतर किया है कि ग्राम्य चर्चा विषय वार्ता मीठी बहुत लगती है पर जहर है, और त्याग की ज्ञान की वार्ता अमृत है पर खारी लगती है, और भगवत लीला ये अमृत भी है और मीठी भी लगती है। ये तीन भेद माने हैं, विषय चर्चा, ज्ञान चर्चा और भगवत चर्चा। तो भगवान की जो लीला कथा, इसमें इस प्रकार का आकर्षण है कि जो अध्यात्म ज्ञान परिनिष्ठ महात्मा लोग हैं, वे भी इस चर्चा की तरफ खिंच आते। सुखदेव जी को लाने का यही उपाय, भाग गए, पता ही नहीं कहाँ गए, अब आवे ही नहीं, दास जी पीछे पीछे भटकते रहे पर ये तो आवे नहीं। तब व्यास जी ने युक्ति रची, शिष्यों से कहा कि भागवत की दशम के श्लोक जाके सुनाओ, बर्रा पीर मटोर बपू करने उकरने कार में सुनाओ, जाके सुनाए। सुखदेव जी ने कहा कि कौन गाता है, पास आ गए, बोले क्या सुनाए, फिर सुनाओ, फिर सुनाया, बोलिए कहाँ से आया, बोलिए तो आपके पिताजी के द्वार से है, बोले उनका है, बिना बुलाए आ गए, बोले पिताजी हम सीखेंगे इसको। तो इस प्रकार से जो अत्यंत विरक्त हैं उनके मनों में भी रति पैदा कर दे, विरक्तों को अनुरक्त बना दे और सारे भवरोगों का नाश कर दे, अत्यंत मधुर वो है हरि कथा। और तीसरी बात, सूत्र मनोभिरामात, कानों को और मन को दोनों को जो सुखी करे, तो सुनने में भी मन लगे। ये दो तीन दिन के बाद जब ये बाल लीला आएगी तभी इन लोगों का बड़ा मन लगेगा, बाल लीला मधुर तो सुनने में भी मन लगे, कान को भी अच्छे लगे और वो याद भी हो जाए। ज्ञान की बात याद नहीं रहती पर लीला की बात तो याद रहती, आज श्री कृष्ण ने यूं किया, बच्चे सब बातें करते थे वहां पर, कन्हैया ने यूं किया, ये चर्चा होती घर जाते, बोले आज जंगल में क्या हुआ, बोले आज ये खेल किए भैया, आज ऐसा ऐसा खेला वो कन्हैया, इस प्रकार से बोले हमने उसको छकाया और उसने हमको छकाया, वो याद रहे सब बच्चों को, तब तो थोड़ी याद रहता है। तो श्रोत्र मनोभिरामात, कानों को जो सुनने में अच्छी लगे मीठी लगे, और मन को भी, मन की मीठी लगने के दो रूप होते हैं, विषयी लोगों को विषय कथा मीठी लगती, पर वो विषय भी जब भगवान की कथा सुनते हैं तो एक बड़ी विचित्र चीज होती है, वो क्या होती है, कथा सुनते रहिए आप ठीक ठिकाने से,
तो क्या होगा कि विषय रस फीका लगने लगेगा। माने हम लोगों को जो विषय मीठे लगते हैं, इसका कारण यही है कि हम लोगों ने कभी भगवत रस को चखा ही नहीं। जो मुहि राम लागते मीठे, तो खटरस नवरस अनरस भय भय जाते सब सीठे। भगवान का मिठास कहीं आ जा तो फिर जितने ये विषय रस हैं, ये सब फीके और कड़वे हो जाते हैं। तो मनोभिरामाद, मन को वास्तव रूप में आह्लादित करने वाली, मन को आह्लादित करने वाली कौन चीज है? जो मन में भगवान को लाके बसा दे वो, परिणाम में। नहीं तो मन बड़ा पछताता है पीछे, क्या करें बड़ी गलती हो गई। मन में पछताता है ना आदमी बुरा काम करके, तो आह्लाद कहाँ मिला? आह्लाद तो वो कि मन को आनंद में रमा दे। तो मन को आनंद में रमाने वाली जो वस्तु है, वो अगर लेने के समय भी मीठी मालूम होती हो तो सर्वोत्तम। तो श्रोत्र मनोभिरामात, कानों को भी और मन को भी जो परमाह्लाद प्राप्त कराने वाली है, वो है भगवत कथा। तो निबिट तरसी रूपगीयमानात भवूषदा श्रोत्र मनोभिरामात, जिनकी तृष्णा पिपाशा सर्वथा शांत हो गई, उनके द्वारा जो गाई जाती है, जो भव की एकमात्र औषध है भव रोग की, और जो कानों को और मन को प्रसन्न करने वाली है, उत्तम श्लोक की वो कथा सुनाइए, वो गुणगान सुनाइए। बोले भी तुम सुनना क्यों चाहते हो? तो काम कसाई थोड़े ही है, जो कसाई हो न सुनना चाहे? कसाई के सिवा सब सुनना चाहते हैं। तो कसाई असली कौन है? अपशुग्न, ये श्रीधरी टीका का अर्थ है, आत्मघाती। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा हत्यारा कौन जो आत्मा की हत्या करे, सबसे बड़ा हत्यारा कौन जो आत्मा की हत्या करे, आत्मा का हनन करे। आत्मा का हनन करने वाला कौन? जो भगवान से संपर्क रखे ही नहीं, वो आत्महत्यारा। आत्महत्यारा तो जो लोग आत्महत्यारे हैं, वे तो भले ही भगवत कथा से विरक्त हों, उनको न अच्छी लगे, बाकी सबको ये अच्छी लगेगी, स्वाभाविक अच्छी लगेगी। क्यों? कि ये अच्छी है ही, इसमें अच्छे का आरोप नहीं, और इसमें बोले फल अच्छा होगा, कड़वी दवा खा लो। वैद्य कहे बोले कड़वी दवा खा लो फल अच्छा होगा, सो नहीं। ये खाने में भी परम मधुर, और फल तो मधुराति मधुर है ही। इस प्रकार की जो भगवत कथा है, उसको आत्महत्यारों के सिवा दूसरा कोई भी ऐसा नहीं जो इससे विरक्त हो, न सुनना चाहे, जिसका मन इससे हटे। तो आत्महत्यारे कौन है? आत्महत्यारे कौन है? तो उसको खोलते हुए कहते हैं, ये परीक्षित के साथ यहाँ पर तुलना होती है, सुनना चाहते हैं और वो सुनना नहीं चाहते। तो जो सब कुछ छोड़कर भगवत कथा में रति करने के लिए तैयार हैं, वो तो सुनना चाहने वाले हैं, सब छोड़ दिए परीक्षित। लेकिन जो केवल विषयों में रमे हुए हैं, और जिनके मन में भगवत संबंधी चर्चा व्यर्थ की बात मालूम होती है, और जिनके कान और मन निरंतर विषय में ही लीन रहते हैं, उनका फल क्या होगा? तो उपनिषद में कहा, सब जगह आया, कि उनको जो अत्यंत निम्न कोटि के गंदे से गंदे नरक हैं और नार की योनि हैं, उसकी प्राप्ति हो। तो कहा कि जो लोग विषयों का त्याग कर देते हैं, अथवा जिनसे विषय त्याग करवा दिए जाते हैं, भगवान में जो लग जाते हैं, वे न तो अभागे हैं और न आत्महत्यारे हैं। पर जो यहाँ विषयों का बड़ा संग्रह भी करते हैं और भगवान का परित्याग करते हैं, वे बहुमानी और बहुधनी होने पर भी वे आत्महत्यारे हैं। यहाँ ही उनको सुख, आगे सुख नहीं,
वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो ये इन्होंने विश्वनाथ जी ने उसको लिखा कि भाई ये चार प्रकार के जीव होते हैं। बड़ी सुंदर भावना की, राजपुत्र चिरम जीव, माँ जीव ऋषि पुत्र का, और जीव वा मर वा साधु, व्याध माँ जीव माँ मर, राजकुमार बड़ा धनी, और ऋषि पुत्र ऋषि, और भगवान का भक्त साधु। साधु की पदवी भक्त को दी है, साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तुहम, मदन्य तेन जानती नाम ते जो मनागति, वो साधु और साधु नहीं। और व्याध तो कहा कि भाई एक ऐसा है जिसके यहाँ है वहाँ नहीं, और एक ऐसा है जिसके यहाँ नहीं है वहाँ है, और एक ऐसा है जिसके यहाँ भी है वहाँ भी है, और एक ऐसा है जिसके यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। तो चार श्रेणियों में चार के नाम लिए। तो कहा राजपुत्र चिरम जीव, जो पूर्व के पुण्य से इस समय राजा के घर में जिसने जन्म ले लिया उसके यहाँ तो है, यहाँ सुखोपभोग उसको प्राप्त है, पर वो भोगों में लगा है, आत्महत्यारा है वो, तो उसको आगे नहीं मिलेगा। और ऋषि पुत्र है तो बड़ी कठिन तपस्या करता है, तो यहाँ तो उसको कष्ट है पर आगे मिलेगा। और भगवान का जो भक्त साधु है वो यहाँ भी बड़े आनंद में और आगे तो भगवान मिलेंगे बड़े आनंद में, और जो कसाई है वो यहाँ भी दुख भोगता है और वहां भी दुख भोगेगा। तो ये कल्पना करके कहा कि भाई राजपुत्र चिरम जीव है, तुम राजकुमार हो तो भैया अधिक दिन जीते रहो, सुख भोगोगे नहीं आगे सुख मिलेगा नहीं। और माँ जीव ऋषि पुत्र का, ऋषि पुत्र हो तो तुम अधिक जी के क्या करोगे, यहाँ तुम कष्ट है तुमको आगे सुख मिलने वाला है, तो तुम चाहे न जीवो। और जीव वा मर वा साधु, जो साधु तुम हो तुम तो चाहे मरो चाहे जीव, यहाँ भी सुख वहां भी सुख, तुमको तो आराम ही आराम है। और ब्याध महा जीव महामर, कसाई ब्याध जो है उसका जीना भी बुरा मरना भी बुरा, तो मरे भी नहीं जीव भी नहीं कसाई रहे वो। तो ऐसा जो कसाई है वो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, उस कसाई के सिवा सब सुनना चाहते हैं भगवत कथा रस, ये परम अमृत है। तो सुखदेव जी महाराज से कहा परीक्षित ने कि महाराज इस प्रकार का जो उत्तम श्लोक का गुणानुवाद है वो हमको सुनाइए। तो बोले भाई तुम तो बड़े उतावले हो रहे हो। बोले महाराज क्या बताऊं, हमें तो संबंध भी याद आ रहा है, दो दो संबंध। एक तो हमारे दादाजी रहे अर्जुन, उनके सखा रहे और भाई रहे, और दूसरे हमको बचाने वाले कौन थे, माँ के पेट में रक्षा की हमारी ये उन्होंने की ना, तो वो तो हमारे कुल देवता आत्म देवता हमारे पितामह हमारे संबंधी, और फिर आप जो कह रहे हैं वो साक्षात स्वयं भगवान, तो उनकी कथा सुनने के लिए हम उतावले हो रहे हैं। पितामह मे समरे मरंजय देवव्रता द्याजरथस्ति मंगलैः दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरण वत्सपदम स्म यत् प्लवाः। कहते महाराज हमारे पितामह जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था महाभारत का, उस समय हमारे दादा लोगों का युद्ध किनके साथ हो रहा था, ये भीष्म पितामह आदि जो अतिरथी थे उनके साथ युद्ध होता था, और अपार कौरवों की सेना थी, वो मानो समुद्र को पार करना मामूली बात है क्या। एक तो कौरवों की सेना समुद्रवत, और दूसरे भीष्मादि जो बड़े बड़े वीर थे ये मानो मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलादि जल जंतु के समान। एक तो वो सेना जो थी वो भी कौरव सेना समुद्र के समान महान विशाल,
और दूसरे मच्छों को भी नगर जाने की शक्ति रखने वाले तिमिंगल मच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ, ये भीष्मादि ये भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु हुआ क्या, दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, वो जो कौरवों की सेना रूपी सागर दुरत्य जिससे पार जाना बड़ा मुश्किल, वहां क्या हुआ, हमारे पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर के उस समुद्र से ऐसे तर गए जिस प्रकार कोई रास्ते चलता हुआ बछड़े के खुर जैसे गड्ढे से पार हो जाए। अनायास कृत्वा कर्ण वत्स पदम स्म यत् प्लवाहा, जिसको नौका बनाकर, जिन भगवान के आश्रय को नौका बनाकर और इतनी सहज रूप से जो उसको पार कर गए, इनकी कथा है सुनना चाहता हूँ। फिर कहते हैं, द्रौन्यस्त विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवा नाम जुगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो मातुष्ट में ये शरणम गताया। अपनी बात अब कहते हैं कि महाराज आप देख रहे हैं जो शरीर मेरा आपके सामने है, परीक्षित कहते हैं, और ये कौरव पांडव दोनों के कुल की रक्षा करने वाला एक ही था, ही दोनों वंशों में मेरे सिवा कोई नहीं रहा, एकमात्र सहारा था मैं। तो महाराज अश्वत्थामा ने क्या किया, मेरी माँ के पेट में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उस ब्रह्मास्त्र के मैं जल गया, उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं महाराज भस्म हो गया। पर मेरी माता आप श्री कृष्ण के शरण में गई, मातुश्च मे ये शरणम गताया, मेरी माँ रो पड़ी और कहा श्याम सुंदर बचाओ, शरण में आ गई मेरी माँ। तुम्हारा श्री कृष्ण ने क्या आश्चर्य किया, चक्र लेकर मेरी माँ की कूख में चले गए, मेरी माता के गर्भ में पहुंच गए। जुगोप कुक्षिम गजात चक्रो, चक्र लेकर के अंदर पहुंच गए और उस चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का विनाश करके मुझको बचा लिया। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो गर्भ में प्रवेश करके जिन्होंने मेरी रक्षा की। और महाराज क्या कहें, ये भगवान जो हैं, ये इन्होंने केवल मेरी रक्षा की शोभा है, इस सारे जगत को शक्ति देने वाले, बल देने वाले, बचाने वाले जीवों के रक्षक कौन है। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंत्र बहि पुरुष कार रूपैहि प्रयच्छतो मृत्यु मुतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। कहते महाराज, ये समस्त शरीरधारियों के अंदर आत्मा रूप से रहकर सबको मृत्युत्व का दान कर रहे हैं और काल रूप से रहकर मृत्यु का दान भी वही करते हैं। ये जो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं भगवान, ये माया मनुष्य के रूप में होकर जो नहीं लिया गया। माया का शब्द जो अर्थ जो है, माया के का अर्थ है यहाँ पर आत्म माया। माया के कई अर्थ हैं, एक माया वो है जो अज्ञान फैलाती है, सबको मोहित करती है, एक माया वो है जो जगत की सृष्टि करती है, एक माया वो है जो भक्तों के मन को मोहित करती है भगवान की लीला के रूप में, एक माया वो है जो प्रेमियों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान को मोहित कर लेती है, स्वजन मन मोहिनी और स्वमन मोहिनी, और एक माया वो है जो भगवान की लीला के रूप में नित्य क्रियाशीला रहती है, वो उनकी कृपा शक्ति से ही चलती है। तो यहाँ इस माया मनुष्य का अर्थ है जिन्होंने कृपा करके लीला से मनुष्य के समान चरित्र किया। ये अर्थ नहीं कि ये माया से मनुष्य से दिखे, ये नहीं, थे तो नहीं, पर माया से मनुष्य से दिखे तब तो झूठे ही दिखे। तो वो जो मायोपाधिक ईश्वर वो श्री कृष्ण नहीं है, माया की उपाधि वाले जो भगवान है वो श्री कृष्ण नहीं है, ये माया मनुष्य कृपामय हैं, लीलामय हैं। तो जो कृपा परवश होकर अपने भक्तों के प्रेम रस का आस्वादन करने और उनको प्रेम रस आस्वादन कराने के लिए जो चरित्र करते हैं, वे माया मानुष भगवान
तो आप महाराज जानते हैं, आप सब तरह से समझते हैं, इसलिए उनकी लीला का वर्णन हमसे करिए। यहाँ परीक्षित के मन में शंका हो गई, पूछने वाला हरेक बात पहले से खोल देता है, संकेत कर देता है कि हम बात पूछना चाहते हैं। कहीं ये समझ ले कि मरने को बैठा है, तो हमको माया मनुष्य जो भगवान हैं, उनके माधुर्य से परिपूर्ण, बीच में ऐश्वर्य आ जाए तो कोई बात नहीं, पर एक तो होता है माधुर्य ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित, दो तरह के ऐश्वर्य और माधुर्य होते हैं। एक माधुर्य होता है ऐश्वर्य से आच्छादित, और एक माधुर्य होता है ऐश्वर्य पर शासन करने वाला। ऐश्वर्य जहाँ शासित रहता है, अनुशासन में रहता है माधुर्य के, जहाँ भी माधुर्य में किसी प्रकार की बाधा आती दिखती है, वहाँ उस बाधा को काटने भर के लिए ऐश्वर्य आता है। जैसे भगवान की बाल लीला में ये जो दैत्य बधादि जो होते हैं, ये ऐश्वर्य लीला है, पर ये माधुर्य के विघातक जो विघ्न हैं, उनका नाश करने भर के लिए ही ये प्रकट होते हैं, नहीं तो इनकी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ माधुर्य की प्रधानता है, माधुर्य की अध्यक्षता में ऐश्वर्य का क्षणिक विकास आवश्यकता अनुसार होता है। परंतु जो भगवान की असुर विनाशन लीला है, द्वारिका लीला, वहां पर माधुर्य कम नहीं है, पर उनका जितना माधुर्य है उस तमाम ऐश्वर्य पूर्ण है। वहां के माधुर्य में प्रधानता ऐश्वर्य की है, माधुर्य की नहीं। वहां जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित है, ऐश्वर्य के द्वारा अनुशासित है। और यहाँ का जो माधुर्य है ये विमल माधुर्य है, निर्मल माधुर्य है। वहाँ बच्चों के साथ खेलना नहीं है, और वहाँ माता पिता भी अदब आदर करते हैं, यहाँ के माता पिता स्नेह करते हैं, वहाँ के माता पिता सम्मान, उनका तो बंधन छुड़ाया है ना, उनका तो बंधन दूर करने वाले श्री कृष्ण पुत्र होते हुए भी भगवान है। उनका जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य मिश्रित है। ये कथा आगे आवेगी भगवान के अवतार के काल में कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ जो जन्म हुआ उसमें, और कंस के कारागार में जो भगवान का अवतार हो उसमें क्या अंतर है, वसुदेव देवकी का क्या भाव है, नंद यशोदा का क्या भाव है, की अलग अलग। तो यहाँ माधुर्य जो है ये संपूर्णतया प्रकाशित है, और वहां जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित है। तो यहाँ कहते हैं कि हमको आप वो कथा सुनाइए जो माधुर्य मंडित हो। तो बोले दूसरी नहीं सुना, बोले नहीं वो भी सुनाइएगा, पहले माधुर्य से मन भर जाए, तब कहीं ऐश्वर्य की बात आप कहेंगे तो कोई उसमें हर्ज नहीं होगा इतना, क्योंकि माधुर्य से प्लावित जो हमारा हृदय रहेगा उसमें वो ऐश्वर्य आके टिकेगा नहीं, वो आकर के दिखेगा, लहर सी आएगी बह जाएगा। लेकिन पहले आप हमें माधुर्य ही सुनाइए, और फिर साथ साथ ये बताइए। अब प्रश्न करते हैं, रोहिण्यास्तने प्रोक्तो राम संकृष्ण तथा त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजंगतः क्ववासं जातभिस्सारधं कृतवान् सात्वतां पतेः ब्रजे वसन् किम करून् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धात् कदर्हणम्। कहते महाराज, अभी आप कह चुके हैं नवमी कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, और फिर आपने देवकी के पुत्रों भी उनकी गणना कर दी, तो दूसरा शरीर धारण किए बिना एक पुत्र दो माताओं का बेटा कैसे होगा? अगर रोहिणी का पुत्र भी बताया और देवकी का पुत्र भी बताया तो ये क्या बात है, इसका रहस्य बताइए।
और ये बड़ा स्नेहानंद भावासी हो जो सुदा मैया से उनका कितना स्नेह रहा। और ये ऐसे अपने स्नेहमय पिता के घर को छोड़कर ये स्नेह को प्राप्त करने के लिए अपने उस पिता को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए। कहते भी उनका स्नेह तो पीछे आवेगी बात, उनका स्नेह तो मिला नहीं, पर यहाँ तो स्नेह दान देने के लिए अवतार हुआ था। इसीलिए ब्रज के भक्त मानते हैं कि भगवान के अवतार दो जगह हुए साथ साथ, ब्रज में अलग अवतार हुआ और मथुरा में अलग अवतार हुआ। ये रहस्य आगे आवेगा। तो कहते हैं कि वो अपने पिता वसुदेव जी को छोड़ करके और नंद बाबा के प्रेम को पाने के लिए ये ब्रज में क्यों आ गए। और फिर यहाँ आकर के ये थे तो विदुर शिरोमणि, इनको बार बार कुल का गौरव है ना अपना, श्री कृष्ण जो है यदुवंशी श्री कृष्ण है ना, ये परीक्षित को विशेष प्यारे हैं, कुल का संबंध है ना यहाँ पर। और जो ग्वाले श्री कृष्ण है उनकी बात इतनी नहीं बात इनके मन में आती, लेकिन वो आकर्षण उनका रहता है बहुत ज्यादा। तो यदुवंश सत्पताम पति कहा, सत्पताम पति ही यदुवंशियों में जो शिरोमणि है, उन प्रभु ने गोपों के साथ नंदराज जी के साथ ब्रज में आकर क्या लीला की और फिर मथुरा गए, तो मथुरा में जाके क्या क्या लीलाएं की ये सब बताइए। और ये भगवान कैसे हैं कि ये सब का शासन करने वाले हैं, केशव हैं। तो महाराज ये सब का शासन करने वाले जो प्रभु हैं, इन्होंने ब्रज में और मथुरा में रह करके कौन कौन सी लीला की। और फिर महाराज हमने सुना कि उसने कंस को मार दिया, और कंस तो मामा होता था, माँ का भाई, तो कंस को उन्होंने अपने हाथों से क्यों मार दिया। मामा का भी मारा जाता है, अभी मामा को कोई मारते हैं तो इन्होंने कंस को क्यों मारा ये बताइए, इन्होंने कंस को क्यों मारा। और इसके बाद ये देह मानुष माश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णि भी यदुपुर्याम सहावापसी पत्न कत्य भवन प्रभु। ये मनुष्य आकार कृपा से मनुष्य बने हुए सच्चिदानंद भगवान जो हैं, ये कितने दिनों तक ये वृष्णि मनुष्यों के साथ यदुपुरी में, फिर द्वारिका में, मथुरा में रहे। और इन्होंने महाराज कितने ब्याह किए, इनकी पत्नियां कौन कौन बनी, कितनी थी सब, ये सब भी बताइए। एतद् अन्यच्च सर्वम् मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् भक्तमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतम्। फिर कहा महाराज मैं तो ये मामूली बातें आपसे मन में आया मैं पूछ गया, मेरे में पूछने की योग्यता नहीं है, तो जो बातें मैंने पूछी हैं वो तो बताइए ही, और जो नहीं पूछी हैं वे सब बात भी जो भगवान ने लीलाएं की हैं वे सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। विस्तृतम क्यों सुनाइए, श्रद्धधानाय। यहाँ पर फिर कथा सुनने के अधिकारी का वर्णन करा दिया परीक्षित के मुंह से कि महाराज जो सुनने का अधिकारी उसको आपने सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। तो महाराज मैं बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहता हूँ, मेरा मन इधर ही लगेगा। तो बोले तुम खाना पीना भी तो करोगे बीच में। बोले महाराज कुछ नहीं, नैसाद दुस्सहा क्षण मां चकदो तुम विवाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोजच्युतम हरिकथा अमृतम। ये बड़ी भारी महिमा की कि आपके मुख से, मुख कमल से निकला हुआ, मुख कमल से झरता हुआ जो भगवान का सुधामय लीला रस है। अब इतने दिन हो गए ना आपको सुनाते और अब असली कथा तो अब तक आई ही नहीं, तो इसका जब मैं पान करता हूं अमृत का, तो महाराज मुझे जो भूख प्यास असह्य होती है, जिसको आदमी सह नहीं सकता,
वो भूख प्यास महाराज मुझे जरा भी नहीं सता रहे, न मुझे अन्न याद आता है न मुझे पानी याद आता है, मैं तो निरंतर और निरंतर कथा रस का पान कर रहा हूँ, उसी को सुनना चाहता हूँ। तो ये जब प्रश्न किया तो हर्ष से भर गए, और उपयुक्त श्रोता जब प्राप्त होता है मर्म को समझने वाला, तब वक्ता के हृदय में वो सब बातें उदित हो जाती। और यहाँ तो भगवान की लीला सुनानी है, तो परीक्षित जी की बात सुनकर जरा सी आंख मूंदी सुखदेव जी ने कि तमाम वो लीलाएं उनके सामने आ गई, प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने अपने मन में सोचा कि ये तो बड़ी कृपा की परीक्षित ने मुझ पर, ये 11वें स्कंद में तो खुले रूप में कहा है 9 उनके मुनियों के प्रसंग में कि जो भगवत कथा में किसी को लगाता है उसके समान उपकारी कोई नहीं। तो सुखदेव जी अब तक जो सुना रहे थे वो तो अलग चीज थी, अब ये सीधी सीधी जो भगवान की लीला की बात पूछी परीक्षित ने, तो लीला की बात पूछते ही और परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी के मन में सारी लीला कथाएं उदित हुआ, उनकी आंखों के सामने भगवान का चरित्र फिल्म के भांति आ गया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सती सभगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्त मारभत भागवत प्रधाना। तो सुखदेव जी कैसे है ये बताए, इसमें सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी कैसे हैं भागवत प्रधाना, जो भगवत प्रेमियों में सबसे प्रधान है, जो भगवत प्रेमियों में अग्रगण्य हैं, ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं, और कैसे हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इस प्रकार के जो सुखदेव जी हैं वे प्रसन्न हो गए और तारीफ करने लगे परीक्षित की, उसका अभिनंदन किया, साधुवाद दिया कि वाह वाह वाह, ऐसी बात कौन पूछता है। संसार में दो ही बातें पूछते हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं, विवेकवान, वो तो आत्मा की बात पूछते हैं, और जो विषयी हैं वे भोगों की बात पूछते हैं। महाराज कोई अनुष्ठान बताओ जिससे काम चले और नहीं माया से मुक्त हो जाए, ज्ञान बताओ। लेकिन तुमने मृत्यु के निकट पहुंचे हुए अपने को जानते हुए भी लीला कथा की बात पूछी तो तुम्हारे समान भाग्यवान कौन है, उसको साधु माना आज उन्होंने तो साधुवाद दिया। वे स्वयं तो हैं भागवत प्रधान, भागवत प्रधान का ही कथा के रूप में वर्णन करते हैं एकादश में कि कोई ये कहे कि भाई तुमको तीनों लोकों का वैभव देंगे, त्रिभुवन विभव ये तवेपी, तीनों लोकों का तुमको वैभव देंगे और तुम आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो कहता नहीं चाहिए। तीनों लोक के वैभव के लिए भी जो आधे क्षण के लिए भगवान को भूलने के लिए तैयार न हो वो भागवत प्रधान है। तो सुखदेव जी का काम क्या है, सुखदेव जी कहीं ठहरते नहीं है, यहाँ 7 दिन ठहर गए, ये ठहरते नहीं 2 घंटे ज्यादा, ठहरे आए राम राम के हाथ बात जोड़े बोले अब जाते हैं, पर यहाँ क्यों ठहरे, इसलिए कि उनके मन की हो गई कथा सुनाकर उन्होंने सुख दिया, सो तो दिया ही, सुख प्राप्त किया। क्यों सुख प्राप्त किया कि उनको भगवान की लीला का उस समय अनुभव होने लगा, उन्होंने भगवान की लीला को केवल कहा नहीं देखा, और जो देख कर कहते हैं वही ठीक कह पाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने साधुवाद दिया कि भाई तुम धन्य हो परीक्षित, तुमने ऐसी बात की और तुम्हारा हम क्या उपकार माने, तुम्हारे समान कौन उपकारी होगा जिसने हमको भगवान की लीला का याद दिला दिया। यूं अभिनंदन करके उन्होंने उन लीलाओं का प्रारंभ किया, उन श्री कृष्ण के चरित्रों का प्रारंभ किया।
जो कलि कल्मषघ्न है, जो कलयुग के कलिमलों को सर्वथा जो नाश करने वाले हैं, धो डालने वाले, कलमशों को धो डालने वाले जो भगवान के चरित्र हैं, उनका उन्होंने प्रारंभ किया। प्रारंभ करते सुखदेव जी ने कहा, सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव आदर्श सत्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नष्ट की रति। ये बड़ी सुंदर बात कही कि भाई राजर्ष सत्तम, जैसे मुनि सत्तम था, मुनि सत्तम यहाँ का राजर्ष सत्तम राजा ही नहीं, राजर्षियों में भी सत्तम, राजर्षि राजर्षि सत, राजर्षि सत्तर, राजर्षि सत्तम, जो ऋषिवत जो राजा ब्रह्म के तत्व को जानता है वो राजर्षि, ब्रह्म के तत्व को जो जानता है वो राजर्षि, उसको ऋषि पद प्राप्त हो गया, राजा होते हुए ऋषि, और जो संबंध युक्त मानता है वो सत्तम है। श्री कृष्ण से संबंध युक्त अभी पूरा वो संबंध अभी यानी अनुभूत तो नहीं हुआ, पर संबंध वत तो मानते हैं ना अपने को कि हम श्री कृष्ण के संबंधी हैं, हमारे वो पितामह जो थे उनके मामा के लड़के रहे, अपने रहे, हमारा संबंध उनसे है, और भगवान है ही, तो भगवान हमारे संबंधी हैं इस प्रकार मानने वाले जो परीक्षित, इसलिए वो राजर्षि सत्तम है, राजर्षियों में वो सत्तम है, राजर्षियों में उत्तम से उत्तम से उत्तम जो हैं वो हैं, तो कहते हैं कि हे राजर्षि, तो राजर्षियों में उत्तम कौन, अर्थात जो भगवान की लीला कथा के रसिक, एक शब्द में यूं कहें भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए जो रसिक हैं, वो हैं राजर्षि सत्तम। नहीं तो महाराज राजाओं के यहाँ तो न मालूम कितने कितने दूसरे गान चलते हैं, संगीत चलते हैं, मुजरे चलते हैं, भगवान की बात सुनने के रसिक कौन हो, वहाँ तो विषय विषय तमाम रहते हैं, तो विषयों में फंसा हुआ कोई मनुष्य यदि विषय रस से अपने को मुक्त करके भगवत रस में नियुक्त हो जाए तो उसके समान उत्तम कौन है। तो परीक्षिता सब कुछ छोड़कर भगवत कथा रस के रसिक बनकर यहाँ विराजमान हैं, और वो निश्चय पूर्वक कहते हैं कि आप कथा सुनाई, तो सम्यक व्यवसिता, ये सम्यक व्यवसाय जो है ना, उसकी गीता में बड़ी व्याख्या है। भगवान ने कहा कि महापापी भी क्षण भर में धर्मात्मा होकर मेरा भक्त बन सके, कैसे, सम्यक व्यवसितो हि सः अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भात साधुरैव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। महान पापी था, महान पापी, और वो पापी साधु हो गया और फिर धर्मात्मा हो गया, भक्त बन गया, क्यों, उसने सम्यक व्यवसाय किया, उसने अपनी धारणा में केवल भगवान को बैठा लिया, भगवान के सिवा किसी और उसकी वृत्ति रही नहीं, भगवान के शरणागत हो गया। तो ये जब तक भगवान के साथ संपर्क नहीं जुड़ता मनुष्य का, तब तक पुण्यात्मा भी पापी है, क्योंकि उसका भी जो निश्चय है वो सम्यक नहीं है। लेकिन महापापी भी अगर भगवान के शरणागत हो गया तो उसका जो निश्चय है वो सम्यक है, वो प्रकाश में आ गया अंधकार से, उसके पाप रहेंगे नहीं। तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी बुद्धि है राजर्षि सत्तम परीक्षित, ये बड़ी सुंदर है, तुम्हारा जो ये निश्चय है ये बड़ा सुंदर है, बड़ा आदरणीय है, तुम धन्य हो। तो बोले ऐसी कौन सी बात हो गई महाराज, बोले यज्जाता निष्ठकी रति वासुदेव कथायाम थे। ये कोई मामूली बात है क्या, भगवान वासुदेव की कथा में जिसके द्वारा तुम्हारी निष्ठकी रति हो गई, रति होना बड़ा मुश्किल, रुचि होना बड़ा मुश्किल, रति की बात तो अलग है, तीन तरह के साधन होते हैं, अभ्यास, रुचि और रति। अभ्यास में रूखापन है, रुचि में स्वाद आता है, पर जब स्वाद ना आए तो रुचि नहीं रहती, रुचि हमेशा नहीं रहती, और रति चित्त को आसक्त कर देती है,
एकमात्र वही रति रह जाए इसको कहते हैं निष्ठ की रति। तो कहते हैं कि तुम जो हो, तुम्हारी बुद्धि का जो निश्चय है उसने क्या किया, तुम रुचि से तो आगे बढ़ ही गए, भगवान की लीला कथा के श्रवण में जो तुम्हारी प्रीति हो गई, ये मामूली बात नहीं, ये भगवान में प्रीति की अपेक्षा भी लीला रस के श्रवण में जो प्रीति है वो अधिक महत्व की मानी गई। एक आदमी भगवान से प्रेम करता है और एक आदमी भगवान की लीला कथा से प्रेम करता है, इन दोनों में कौन उत्तम है, बुद्धि चकरा जाती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी लीला में प्रीति करता है वो मुझसे प्रीति करने वाले से उत्तम है। अरे प्रीति तो करे तो इससे कोई, तो उसके चरित्र में प्रीति नहीं हो, उसकी लीला में प्रीति नहीं हो, उसके लीला श्रवण में प्रीति नहीं हो, तो वो प्रीति अधूरी प्रीति है। बल्कि लीला सुनने को प्राप्त होती रहे और मुक्ति न हो कोई बात नहीं। तो ऐसा कहा है कि जब भगवान की लीला कथा होती है वहां भक्त तो आते ही हैं, तो भगवान छिपकर आया करते हैं। चौड़े में तो अपनी बात आप सुनना चाहते नहीं, तो छिप के उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं भक्तों के और रस लेते रहते हैं। तो जगन्नाथ जी ठूठे क्यों हो गए, ये कथा आती है कि लीला कथा सुनने गए और नहीं मिली तो वो गलित हो गए, और गलित हो करके फिर वो वैसे के वैसे काठ बने रह गए, लीला बंद होगी काठ के काठ बन गए, आधे हाथ बना आधा हाथ बिना ही बने रह गए, मुंह वैसे चिपटा रह गया। ऐसा वैष्णव लोग कहा करते हैं जगन्नाथ जी के उद्भव की कथा। तो जहाँ लीला कथा होती है उसमें भगवान की रति होती है, तो लीला कथा में जिसकी निष्ठ की रति है उसके समान भाग्यवान कोई नहीं। तो साधुवाद करते हुए ये कहते हैं कथा की महिमा सुखदेव जी कि भाई भगवान जो सबके आराध्य हैं, हृदय आराध्य जो हैं भगवान वासुदेव, उनकी लीला कथा श्रवण करने में जो तुम्हारी सुदृढ़ प्रीति हो गई, निष्ठ की रति हो गई, ये बड़ी ऊंची चीज है, तो तुम राजन सत्तम हो। तो बोले बोले महाराज अभी हमने कथा सुनी तो नहीं। बोले सुनने की तुमने इच्छा तो की ना, कथा सुन ले उसकी तो बात अलग है। कहते हैं कि ये कथा के संबंध में जो प्रश्न होता है ये प्रश्न ही वक्ता प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों को पवित्र कर देने वाला है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोति तत्पाशैलम यथा। जैसे गंगा जी का जल भगवान का चरणामृत, वो भी पादशलिल है। पादशलिल का दो अर्थ है, जो भगवान के चरणों से निकली वो गंगा, और भगवान के चरणों को धोकर जो बना है वो पाद जल, पादशलिल चरणामृत। ये जैसे सबको पवित्र करने वाले, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की कथा के संबंध का जो प्रश्न है वो प्रश्न करने से ही प्रश्नकर्ता वक्ता और श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं। क्यों पवित्र हो जाते हैं? कहते हैं भगवान लीला मन में उनके सुनने के मन में आती है प्रश्न करने वाले के, और जो बैठे रहते सुनने वाले पास उनके भी मन में आ जाती है श्री कृष्ण की कथा, और वक्ता के तो आती ही है। तो जहां श्री कृष्ण मन में आए वहां जगत निकला। तो अपवित्रता सारी जगत में है ना, तो भगवान की कथा का प्रश्न जिसने सुन लिया, जिस वक्ता ने सुन लिया, जिस श्रोता ने सुन लिया, वे भी तमाम पवित्र हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने कथा की महिमा कही। महिमा कह करके अब कथा का प्रारंभ करते हैं, भगवान का अवतार क्यों हुआ। श्री गोविंदम प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं
वंदे मुकुंद अरविंद दलायताक्षं कुंदेन्दु शंख दशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवनवंदित पादपीठं वृंदावनालयनहं सुदेवसूनं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासकरं।